दोस्तों अगर आप लोगों के पास SBI का ATM कार्ड है, चाहे वो रुपए का डेबिट कार्ड हो या फिर वीजा का डेबिट कार्ड हो या फिर किसी भी तरह का ATM कार्ड है, अगर वो SBI का है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10 ऐसे 10 से ज्यादा ही समझ लीजिए ऐसे काम गिनाऊंगा जो कि आप लोग अपने ATM कार्ड से ATM मशीन से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहला काम दोस्तों, आप लोग ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, आप लोग ATM से अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, आप लोग ATM से अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और आप लोग अपने ATM से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि वो SBI का ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और वो क्रेडिट कार्ड वीजा का होना चाहिए और कोई भी क्रेडिट कार्ड बिल आप लोग अभी फिलहाल कहीं ATM मशीन में नहीं पे कर सकते। हो सकता है कि आप लोग अपने नजदीकी ATM मशीन में जो हेड ब्रांच के जो व्हाइट ब्रांच होती है, एक सेंट्रल ब्रांच होती है, तो वहां पे जाकर के आप लोग अदर कार्ड्स के भी पेमेंट कर सकते हैं, अदर कंपनीज के भी क्रेडिट कार्ड्स को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ATM में केवल आप लोग SBI के वीजा क्रेडिट कार्ड का ही पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम तक भर सकते हैं। अगर वो SBI का कोई भी इंश्योरेंस आप लोगों ने ले रखा है, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ हो या फिर किसी तरह का प्रीमियम आप लोग SBI को पे करते हैं, तो वो भी आप लोग भर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज की आप लोग अपने कार्ड से दूसरे कार्ड में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ATM से दूसरे ATM कार्ड के लिए। लिमिट आप लोगों की 40,000 रुपए होगी, बाकी ट्रांसफर की कोई भी लिमिट नहीं होगी। आप 1,000 की ट्रांसफर 40 बार कर डालिए, उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप लोगों की ट्रांजेक्शन की लिमिट 40,000 होगी। और यहां तक कि आप लोग एक ATM मशीन से दूसरे अकाउंट में भी आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बस यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के पास ATM कार्ड होना चाहिए और SBI का ATM मशीन होना चाहिए। तो दोस्तों गिनते जाइए कि मैंने कौन कौन से काम आप लोगों को गिना दिए, और साथ ही आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आप लोग काम कर सकते हैं वो SBI के ATM मशीन से अपनी यूटिलिटी बिल को भी पे कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल यानी कि आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आप लोगों का वाटर सप्लाई का पानी का बिल हो गया, वो सब कुछ आप लोग भर सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस में आप लोगों के सभी ATM मशीन में ये सर्विसेज नहीं दी जाती हैं। नेक्स्ट चीज कि आप लोग यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन यानी कि आप लोगों किसी संस्था को डोनेशन करना है, पर्टिकुलर संस्थाएं दोस्तों आप लोगों की ATM मशीन में सर्विसेज में जाएंगे तो डोनेशन का वहां पे एक आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट निकल करके आ जाएगी नाम की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो भी NGOs होंगी या फिर जहां भी आप लोग डोनेट करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करके आप लोग अपने हिसाब से डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप लोग यहाँ पे 40,000 की लिमिट रख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं अगर ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप लोग जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग से याद आया कि आप लोग इसमें ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने लिए चेकबुक की लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग ATM मशीन से चेकबुक मुझे इशू कर दो भैया। अगर आप लोग के पास चेकबुक नहीं है या फिर चेकबुक की लास्ट पेज पड़ी हुई है, आप लोग ब्रांच पे नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग ATM कोई भी नजदीकी ATM मशीन में विजिट करके SBI के वहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग फिक्स डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं SBI के ATM मशीन से। पटाखों की आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, तो दिवाली नजदीक है, आज करवा चौथ भी है, तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को और हैप्पी दिवाली एडवांस में आप सभी को। और दोस्तों आप अपने SBI के ATM कार्ड से या फिर कह लीजिए ATM मशीन से मोबाइल रिचार्ज भी करा सकते हैं, और साथ ही आप लोग यहाँ पे IMPS के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपना पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सके। और यहाँ पे जो आखिरी चीज मैं आप लोग के साथ बताना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग अपना SBI के ATM मशीन से अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग SBI का जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं 4 अंकों का पिन डालते हैं। तो ये सारे काम दोस्तों आप लोग SBI के ATM कार्ड से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप लोग अभी तक SBI के ATM मशीन को केवल पैसे को विड्रॉ करने में और पासबुक को प्रिंट करने में यूज करते रहे होंगे, लेकिन अब इस तरह के भी 10 से भी ज्यादा काम आप लोग SBI के ATM मशीन से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए, खास करके SBI कस्टमर्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें होम ब्रांच जाना पड़ता है, यानी कि हमें
कोई काम ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं चेकबुक की, तो अब हमें जाकर के होम ब्रांच पे ही आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, ये सब जाकर के हमें होम ब्रांच पे ही करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर कहीं आउट ऑफ सिटी है, अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं, एसबीआई कस्टमर्स नहीं जा सकते हैं, तो ये वीडियो उनकी मदद कर देगी भैया कि हम लोग अपने एटीएम मशीन से भी ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों तक वीडियोस की फ्यूचर की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।